साल था 1964 और नवंबर का महीना था। इटली की राजधानी रोम में ठीक ठाक ठंड पड़ रही थी, लेकिन आज 18 तारीख को हो रही बेमौसम बरसात ने इस प्राचीन शहर को कहीं ज्यादा ठंडा कर दिया था। दांत कड़कड़ाने वाले इस मौसम में फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 6 पर इटालियन कस्टम्स के 3 अधिकारी एक प्लेन के पास खड़े हुए हैं। यूएई एयरलाइंस के इस पैसेंजर जेट को इजिप्ट की राजधानी कायरो के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन ना ही अभी तक इसके पायलट का कुछ अता पता था और ना ही यात्रियों का। पिछले 2 घंटों से इस प्लेन के बाएं विंग के नीचे खड़े ये इटालियन अधिकारी अपनी हथेलियों में फूंक मार मार के उन्हें रगड़े जा रहे थे कि तभी अचानक यूएई एयरलाइंस की एक वैन रनवे पर प्रकट होती है और फुल स्पीड में इस प्लेन की तरफ बढ़ने लगती है। प्लेन के पास पहुंचकर इस वैन का ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक्स लगाता है और ये स्किट मारती हुई प्लेन के दाएं विंग के नीचे आकर रुक जाती है। वैन के रुकते ही इसकी अगली सीट से इजिप्शियन मूल के 2 आदमी बाहर निकलते हैं और पिछला दरवाजा खोल के एक बड़े से मेटल ट्रंक यानी कि एक संदूक को बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं। इस संदूक के ऊपर फ्रेंच, इंग्लिश और अरबी अक्षरों में डिप्लोमेटिक लगेज लिखा हुआ था और इन दोनों लोगों को ऐसे जोर लगाते देख साफ पता चल रहा था कि इसके अंदर कुछ बहुत ही भारी सामान ले जाया जा रहा है। अरे थोड़ा जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, इनमें से एक इजिप्शियन कस्टम ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए आगे कहता है। आप भी हाथ लगवा दोगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और हाँ जरा ध्यान से उठाना, संदूक नीचे नहीं गिरना चाहिए। अंग्रेजी में कहने के बाद ये इजिप्शियन अपने साथी की तरफ मुंह घुमाता है और फिर मुस्कुराते हुए उससे अरबी में कहता है, वैसे तो इसको जानवर वाले कंपार्टमेंट में ही फेंकना है। इस इजिप्शियन का ये मजाक खत्म होते ही ये और इसका साथी दोनों ठहाके मार के हंसने लगते हैं। लेकिन अपने इस मजाक पर बत्तीसी खोल कर हंस रहे दोनों इजिप्शियंस ये नहीं जानते थे कि इन इटालियन ऑफिसर्स में से एक अच्छी खासी अरबी जानता है। और अरबी बोलने वाला वो इटालियन ऑफिसर ऐसा कुछ व्यक्त भी नहीं होने देता, लेकिन अब उसके मन में थोड़ी सी उत्सुकता जरूर जाग चुकी थी। एक इतना बड़ा संदूक जिसके ऊपर डिप्लोमेटिक लगेज लिखा हुआ है वो एनिमल सेक्शन में क्यों जाने लगा, उसे तो प्लेन के लगेज कंपार्टमेंट में जाना चाहिए। यही सोचते हुए ये इटालियन ऑफिसर अपने साथियों के साथ दोनों इजिप्शियंस की मदद करने आगे बढ़ जाता है। संदूक के पास पहुंचे कस्टम अधिकारी नोटिस करता है कि इसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कायरो और प्रॉपर्टी ऑफ इजिप्शियन एम्बेसी रोम लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये था कि वियना कन्वेंशन के नियमों के अनुसार ये अधिकारी चाहते हुए भी इस ट्रंक की तलाशी नहीं ले सकते थे। लेकिन अरबी बोलने वाले इस इटालियन ऑफिसर की बाईं आंख तो फड़फड़ाना शुरू हो चुकी थी। वो देख रहा था कि बारिश से लबालब इस ठंडे मौसम में भी इन हट्टे कट्टे इजिप्शियन आदमियों के माथों से पसीना रिस रहा है। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस ट्रंक के अंदर क्या है? अरबी बोलने वाला अधिकारी बहुत ही विनम्रता के साथ ये पूछता है तो एक इजिप्शियन कुछ क्षण अपने साथी का मुंह ताकने के बाद उत्तर देता है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे एम्बेसडर साहब कायरो भिजवा रहे हैं। अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो प्लीज इसे जल्दी प्लेन में लोड करवा दो। अपना सर हाँ में हिलाते हुए इटली का एक कस्टम अधिकारी नोटिस करता है कि उत्तर देते समय इस इजिप्शियन के हाथ कांप रहे हैं और वो बहुत ज्यादा नर्वस भी हो रहा है। कुछ सेकंड सोच विचार करने के बाद यह अधिकारी थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और फिर अपना सर इस संदूक की तरफ झुकाने लगता है। ये डिप्लोमेटिक सामान है, तुरंत पीछे हट जाओ। इस इटालियन को ऐसा करते देख वो इजिप्शियन जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इजिप्शियन आदमी की इस चीख और बारिश के शोर में इटालियन ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है जैसे ट्रंक के अंदर से कोई आवाज आ रही हो, लेकिन ये उसका एक वहम भी हो सकता था। कुछ क्षणों तक इन दोनों इजिप्शियंस और उनके संदूक को घूरने के बाद ये कस्टम अधिकारी उस आदमी की तरफ अपना मुंह बंद करने का इशारा करता है और एक बार फिर अपना दायां कान संदूक की तरफ झुकाना शुरू कर देता है। अब वो आवाज बिल्कुल साफ हो चली थी, गलती या शक का कोई स्कोप नहीं रह गया था। पहले इंग्लिश, फिर फ्रेंच और अंततः इटालियन में ट्रंक के अंदर से आ रही एक दबी दबी सी आवाज ये कहने का प्रयास कर रही थी, हेल्प हेल्प सेव मी, असैसिन असैसिन।